हेलो एवरीवन, माय सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर जानवी दवे फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इन दिस सेमेस्टर आई एम गोइंग टू टीच यू कंपाइलर डिज़ाइन विच इज़ नोन एज सीडी. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट यूनिट विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर. आप कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज़ कि कंपाइलर क्या है वो पता होना चाहिए. कंपाइलर पता होने के लिए आपको ट्रांसलेटर क्या है वो पता होना चाहिए. तो आज के ये जो सारे टॉपिक्स है वो टॉपिक्स यूनिट वन के हैं. आज हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, तो फर्स्ट ट्रांसलेटर एंड सेकंड टॉपिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल ऑफ कंपाइलेशन. ये दो टॉपिक हम आज के ये सेशन में देखेंगे. सबसे पहला है ट्रांसलेटर. तो आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर क्या है, ट्रांसलेटर का काम क्या है. जैसे आप देख रहे हो कि उसका नाम ही ट्रांसलेटर है, तो ट्रांसलेटर इज़ नथिंग बट इट कन्वर्ट्स वन सोर्स ऑफ इनपुट टू अनदर सोर्स ऑफ आउटपुट. मतलब आपके इनपुट के एक फॉर्म को उसके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है. तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, हमारे सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा टारगेट प्रोग्राम के अंदर, और अगर उसके अंदर कोई एरर है, हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है, तो ट्रांसलेटर जो है वो टारगेट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करने से पहले हमारी एरर जो है वो डिस्प्ले करवाएगा. जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि ट्रांसलेटर की डेफिनेशन दी हुई है. देन ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट टेक्स वन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम एज इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अनदर फॉर्म. तो वही चीज़ हुई कि आप सोर्स प्रोग्राम को कोई टारगेट प्रोग्राम के ऊपर ट्रांसलेट कर रहे हो विद द यूज़ ऑफ ट्रांसलेटर. अब बेसिकली ट्रांसलेटर जो है वो तीन टाइप के आते हैं. फर्स्ट इज़ कंपाइलर, सेकंड इज़ इंटरप्रेटेड एंड थर्ड इज़ असेंबलर. हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो पूरा कंपाइलर ट्रांसलेटर के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कि कंपाइलर क्या है, कंपाइलर कौन सी प्रोसेस करता है, वो कौन से फेजेस में प्रोसेस करता है, कंपाइलर कैसे प्रोसेस करता है, और उसको एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आप ये सब्जेक्ट के अंदर देखने वाले हो. तो सबसे पहली चीज़ है कंपाइलर. कंपाइलर क्या है, तो आपके पास एक सोर्स प्रोग्राम है. सोर्स प्रोग्राम जो है वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है. मान लो कि आपका सी प्रोग्रामिंग का एक सोर्स प्रोग्राम है, तो वो सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करेगा, आपके टारगेट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेगा. अब आपका टारगेट प्रोग्राम क्या होगा, टारगेट प्रोग्राम इज़ नथिंग बट योर बाइनरी लैंग्वेज. मतलब मशीन जो समझ सकता है वो लैंग्वेज में अगर हम हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हो गया आपका टारगेट प्रोग्राम. तो कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन टारगेट लैंग्वेज. पर एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका कंपाइलर जो है वो आपका सोर्स प्रोग्राम एक ही बार में स्कैन करेगा, एक ही बार में पूरा रीड करेगा, और उसका आउटपुट जो है वो एक ही बार में वो जनरेट करके देगा. मतलब इंटरप्रिटर क्या करता है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, पर वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है. कंपाइलर क्या करता है, आपके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, पर वो एक साथ कन्वर्ट करके देता है. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों का काम सेम है, पर वे ऑफ वर्किंग आर डिफरेंट. सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ कंपाइलर. द अनदर वन इज़ इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर सेम चीज़ परफॉर्म कर रहा है, आपके सोर्स प्रोग्राम को आपके टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है. पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले आया वॉइड मेन, तो उसने क्या किया, वॉइड मेन को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद आता है आपका इंटीजर ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, सी, तो उसको उसने टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट किया. मतलब है कि आपका इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रीड करता जाएगा और उसको टारगेट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा. थर्ड जो चीज़ है वो है असेंबलर. अब तक हमने जो देखा इंटरप्रेटर और कंपाइलर, वो दोनों आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं. पर असेंबलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करता है. असेंबलर जो है वो ऐसी लैंग्वेज जनरेट करता है, मतलब असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो ह्यूमन रीडेबल भी है और मशीन रीडेबल भी है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कोड लिखा है कि मूव आई डी 3, R1. मतलब ह्यूमन समझ जाएगा कि R1 नाम का कोई रजिस्टर है, उसके अंदर हमें उसका जो डेटा है वो हमें आई डी 3 के अंदर मूव करवाना है. एक आइडेंटिफायर दिया हुआ है, उसके अंदर मूव करवाना है. अब मशीन ये लैंग्वेज कैसे समझेगा, तो मशीन के पास ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, मूव, मल्टीप्लिकेशन,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो सारी इंस्ट्रक्शन के लिए उसका कोड जो है वो फिक्स है, मतलब जहाँ पे भी उसको मूव आया तो वो मूव को कन्वर्ट करेगा 0001 के अंदर. तो ऐसा फॉर एग्जांपल ये कोड है, ऐसे कोड फिक्स दिए हुए हैं वो, तो वो क्या करेगा, सारी इंस्ट्रक्शन को उसके कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा. तो असेंबलर क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज को लेकर उसके टारगेट कोड जनरेट करेगा, मतलब असेंबली लैंग्वेज का वो टारगेट कोड जनरेट कर रहा है. इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या कर रहा है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है. तीनों के केस में सेम चीज़ है कि अगर असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर कोई भी प्रोग्राम इंटरप्रेट कर रहे हैं या कंपाइल कर रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई एरर आती है तो वो हमें टारगेट प्रोग्राम नहीं देगा और सीधे सीधा हमारी एरर जो है वो जनरेट करके दे देगा. तो ये जो तीनों हुए, दैट इज़ द बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर. उसके बाद आता है एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल ऑफ कंपाइलेशन. अब यहाँ से जो चीज़ शुरू हो रही है वो है आपका बेसिक कंपाइलेशन प्रोसेस. तो बेसिकली कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज एनालिसिस फेज एंड सेकेंड इज सिंथेसिस फेज. आपका सोर्स कोड जो है वो पहले एनालिसिस फेज में जाएगा. एनालिसिस फेज में जाने के बाद वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, मतलब इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा. इंटरमीडिएट कोड इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट कोड, जो आपने ऑलरेडी जावा के अंदर देखा हुआ है. आप कोई भी प्रोग्राम को डॉट जावा एक्सटेंशन देके स्टोर सेव करते हो, उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोग्राम जो है वो डॉट ओबीजे फाइल या फिर डॉट क्लास फाइल क्या कंपाइलेशन के बाद वो ऐसे नाम से सेव होगा और उसके बाद उसका टारगेट कोड जनरेट होगा. तो एनालिसिस फेज के बाद आपका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट होगा. इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो है वो एज अ इनपुट सिंथेसिस फेज में जाएगा और सिंथेसिस फेज जो है वो टारगेट कोड एज अ आउटपुट हमें जनरेट करके देगा. तो ये जो है वो पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एनालिसिस फेज एंड सिंथेसिस फेज. अब एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज और दूसरे सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंडर में आते हैं एनालिसिस फेज के अंडर में आएंगे तीन पार्ट्स, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस. और सिंथेसिस फेज में आएगा कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन. तो एनालिसिस फेज जो है वो आपके तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है और सिंथेसिस फेज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. तो हम बेसिकली अगर हम देखें फेजेस ऑफ कंपाइलेशन, तो टोटल सिक्स फेज हो जाते हैं हमारे कंपाइलेशन के. सबसे पहला हमारा जो फेज़ होता है वो है एनालिसिस फेज. एनालिसिस फेज के अंडर तीन फेज़ आएंगे, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस. ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करवाएंगे, दैट इज़ योर सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा थर्ड फेज आएगा जो है सिंथेसिस फेज. वो उसको अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन. तो ये हो गए आपके फेजेस ऑफ कंपाइलर. आज के ये वीडियो के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं. आगे जो हमें देखना है वो ये सारे फेजेस हमें डीप में देखने हैं. हर एक फेज एक इंडिविजुअल काम करता है, हर एक फेज के लिए हमारे सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर है. सो हम ये सारा पूरा डिटेल में देखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. Huh?